जीनू? कैसे मुमकिन है? कोई हुक्म कोई गुजारिश मुझे नहीं रोक सकती शहजादी, क्योंकि आज मेरे मुल्क को मेरे घर वालों को मेरी सरवत है। मैं चाह रहा हूं सिपाहियों सिपाहियों इसे कैद खाने में डाल दो। आज रात ये कहीं नहीं जाएगा। ले जाओ इसे। कसम सोने की अशर्फियों की, लगता है माँ बेटे भाग गए। सुनो भाइयों सुनो, मेरी बात सुनो, आगे आओ। तुम्हारा सरपरस्त पस्त होकर भाग गया। अपने सरपरस्त पे शक करने से पहले 100 बार सोच लीजिए। वो एक नेक दिल और बहादुर है। उन्होंने बगदाद के लिए, बगदाद की आवाम के लिए कितना कुछ नहीं किया, और हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे। नहीं कहा बहरूम जी ने। चुप कर जा। पप्पू। कसम सोने की अशर्फियों की बेटी, इस बात से हम वक्फियत रखते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सरपरस्त वापस नहीं आए और उससे पहले जिन आदम का, तो हम क्या करेंगे? अरे रे, फिकर मत करो, नाज़नीन तुम्हारे साथ है। चलो चलो मेरे साथ चलो। आओ चलो। अम्मी, जिस लफ्ज का मतलब नहीं पता वो बोला नहीं करते। जानता है अम्मी कौन होती है?
वो जिसके सामने बच्चे अपना दिल खोल कर रख देते हैं। तू अम्मी कहता है, मानता नहीं है। अगर तू मुझे अम्मी मानता तो कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाता। मैं तेरी अम्मी नहीं हूं। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्यों सुनो? हाँ, जिससे तुम फिर से मुझसे झूठ बोले। तूने मुझसे झूठ बोला है और इस झूठ के बाद तू मुझसे कुछ भी कहने का हक खो चुका है। लोग पीठ पीछे वार करते, तूने मेरे दिल पे वार किया है जीनू। चला जाए यहाँ से। नहीं अम्मी, मुझे कुछ से अलग मत करिए। तू यहाँ नहीं रुक सकता, चला जा, निकल यहाँ से। मैंने कहा ना, जा। हम जानते हैं तुम अपने आप को और अपने उन दो बेटों को महफूज रखना चाहती हो, पर ऐसे सबसे मुंह नहीं मोड़ सकती। दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। बड़ी सरपरस्त बन रही थी ना, हमें अंदर आने दो। दरवाजा खोलो। हाँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। अभी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो बांसुरी हमें दे दीजिए। दरवाजा खोलो। और आप लोग हैं कि या खुदा, अगर खाला जान को कुछ हो गया तो अगर अंदर जिन हुआ तो। चाची जान, तुम चुप ही करो। रुखसार, दरवाजा खोलो। शुक्रिया साजी, अगर आप वक्त पे नहीं आते तो ये सिपाही आज मुझे यहीं रखते। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की उतनी जरूरत नहीं जितनी तुम्हारे मुल्क को, बगदाद को तुम्हारी बहादुरी की जरूरत है। लेकिन लगता है तुमने अपना रास्ता बदल लिया और मंजिल भी। मैं कुछ समझा नहीं। जादुई चिराग ने तुम्हें चुना था अलादीन। जिन का होना महज एक ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और तुम अपनी जिम्मेदारी भूल गए। बगदाद
और चराग का जिन जब दोनों खतरे में थे तुम उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ सब गलत फहमी में हुआ। मुझे लगा कि संगूठी छाप ने महल में हमला कर दिया। तुम्हें क्या लगा और क्या नहीं लगा वो जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं कि बगदाद और चराग के जिन को महफूज रखने के अलावा हर काम मेरे लिए गैर जरूरी है। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद जी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। इससे पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाए हमें अंगूठी के जिन को ढूंढना होगा, उसे पकड़ना होगा। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। उम्मीद है जिनू और अम्मी ठीक होंगे। मैं आ रहा हूं। सर बहन, अरे हटो। चाची जन, कसम सोने की अशर्फियों की, ये क्या? ये क्या? सारी बहादुरियां टूट गई। अम्मी, एक काम करते हैं, अब्बू को बजाकर देखते हैं, क्या पता कैसी आवाज निकलती। बहुत अच्छे, अब्बू को बजा। जो कहो गधे के बच्चे। चुप कर। रुखसार बहन, रुखसार बहन, तुमने सारी बांसुरी तोड़ दी। बाबू, अब्बू आप फटे हुए जूते की तरह चूर चूर करने के बजाय कभी होश की बात भी कर लिया करो। ये सब चाची जान ने नहीं, उस जिन ने किया। जिन? देखो वो यहाँ आकर सब कुछ तबाह कर गया। कसम सोने की अशक्तियों की, सारी अलाएं बलाएं ढूंढ ढूंढ के इस घर में ही घुसती है। जरूर जिन भी यही आया होगा। जिन और यहाँ। बेगम, ये खतरा तो तुम्हारी कड़वी जबान से भी बड़ा लग रहा है। भाइयों, अगर जान बचानी है तो भागो यहाँ से। चलो 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 चलो। यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। खाला जान, बताइए आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? अरे एक पल को रुक जाइए। वापिस आओ। कुछ देखा आप लोगों ने? आजकल रुखसार की जबान बादशाह सलामत के घोड़े से भी तेज दौड़ती थी, यकायक रुक क्यों गई? और शक्ल तो देखो, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ की है। बताओ रुखसार, आखिर माजरा क्या है? पूछो क्या बात है, बताओ ना रुखसार, जबान पे ताला क्यों पड़ गया? अरे हमारी तैयारियों की मेहनत पर पानी फेर कर अब चुप हो। कसम सोने की अशर्फियों की, हमने तुम पर यकीन किया और तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। हाँ बताओ बताओ। इस उल्टे तवे को छोड़कर, नहीं मेरा मतलब है इन मासूम चेहरे को देखो, कितने मासूम हैं, और तुम इनकी कुर्बानी देना चाहते थे? वाह रुखसार बहन वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, हमें जिन के आगे छोड़कर खुद यहाँ आराम करने के लिए चली आई। पूरा बगदाद जानता है इन माँ बेटों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। पहले सारे आईने तुड़वा दिए, अब सारी बांसुरियाँ तोड़ दी। वाए 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 वाए। पहले तो सिर्फ वो अलादीन गायब था, अब शेख जीनो भी गायब है। झूठ बोल रही हूँ तो बेशक इन्हें दो चाटे लगा देना। सही बोल रहे हैं। और सुनो भाइयों, सुनो, शौहर भी भगोड़ा। हम यहाँ नहीं पहुँचते तो शायद ये भी हमें यहाँ नहीं मिलती। बिल्कुल। आखिर ये भगोड़ों का खानदान जो ठहरा। गुनाह के लिए चुप हो जाइए आप सब लोग, चुप हो जाइए। आप सब लोगों ने अपना सरपरस्त चुना, इसीलिए जिन्ने इनके घर को अपना
निशाना बनाया है ताकि ये इन्हें तोड़ के अब सबकी हिम्मत को तोड़ सके। काला जान ने अब सबके लिए कितना कुछ किया और आप लोग इन्हें संभालने की जगह ताने सुना रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्मिंदा होना चाहिए। यूज जिनकी चाल है ताकि आप सब लोग उसके बारे में भूल के खुद में लड़ने लग जाएं। अब चलिए यहाँ से और जिन को पकड़ने के बारे में कोई और तरकीब निकालिए। हाँ, इस मनहूस जगह पे रुकना भी किसे है? है चलो भाइयों चलो। अरे मनहूस, मनहूस है हमारा घर है, मनहूस बोल ले हमारा घर है। आइए को कह दिया, अपने जीनू को, अपने बेटे को। लोगों को लगता है कि मैं खाने के बिना जी नहीं सकता, लेकिन उन्हें गलत लगता है। अम्मी, मैं खाने के बिना जी सकता, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था। मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। शुक्र खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। जीनू, तू जिन है? मैं मानता हूँ मैं एक जिन हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। मैंने तो जादू से कभी समोसे में ही नहीं चुराए, कभी किसी का बुरा नहीं किया अम्मी, क्योंकि क्योंकि मैं तो अम्मी का अच्छा बच्चा हूं ना। अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। इस धूप सी दुनिया में आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी, और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। ऐसा कैसे कर सकता है चीनू? मैंने कुछ बुरा नहीं किया अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं मानता हूं मैंने अपने
आपने जिनोनी की बात छुपाई, लेकिन इतनी सी बात के लिए आपने मुझे घर से जाने को कह दिया।